हापुड़ में लगभग 15 दिन पहले पकड़ी गई फेंसिडिल सिरप की खेप के मामले में औषधि विभाग और हापुड़ सदर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए कोडीन युक्त सिरप की 152 पेटियों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर कफ सिरप की अवैध रूप से सप्लाई कर रहे थे, जो कि मेडिकल की शॉप में सप्लाई न करके उन लोगों को सिरप बेच रहे थे जिनके लाइसेंस या तो निरस्त हो चुके हैं या कंपनी बंद हो गई है। बताते चले कि इस तरह के सिरप का उन क्षेत्रों में अधिक इस्तेमाल होता है जहां शराब प्रतिबंधित है। नशेड़ी इस सिरप का खूब इस्तेमाल करते हैं। ये सिरप जनपद के 2 डिस्ट्रीब्यूटरों अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर के एके एंड सेंस डिस्ट्रीब्यूटर ने मंगाया था। हापुड़ के NS ट्रांसपोर्ट और ओम ट्रांसपोर्ट से सिरप सप्लाई होता था। फिलहाल यह सिरप NS ट्रांसपोर्ट पर मिला था। हापुड़ सदर SDM सुनीता सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर्स का हापुड़ की भगवतीगंज में गोदाम है, जो कि हापुड़ की मेडिकल शॉप्स में इन सिरप की सप्लाई न कर बाहरी क्षेत्र में सप्लाई करते थे। यहाँ विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि कुछ यहाँ पर ऐसे कफ सिरप की सप्लाई होती है जिसमें कोडीन नाम का एक कंपोनेंट होता है, उसकी मात्रा होती है जो कि प्रतिबंधित है। उसमें जानकारी प्राप्त होने पर यहाँ जांच की गई थी तो यहाँ 152 पेटी वो कफ सिरप मिला था। इनका रजिस्टर वगैरह देखने से ये पता चला कि इनके द्वारा किसी शॉप्स में, किसी जो मेडिकल शॉप्स होता है उसमें सप्लाई ना हो करके ये कहीं ऐसे जगह पर सप्लाई इसका करते हैं जो कि ऑलरेडी वो जो कंपनी है वो या तो रजिस्टर्ड नहीं है या बंद हो चुकी है या उसके जो लाइसेंस है वो निरस्त हो चुके हैं। ये मुख्यतः इसका मिसयूज किया जाता है नशे के रूप में। जहाँ पर शराब प्रतिबंधित है खासकर उन स्टेट में इसकी सप्लाई ये लोग कर रहे हैं, ताकि इसको ये ना ये जो कार्रवाई कर रही है शासन प्रशासन उसको ये ना समझ में आए कि ये कोई शराब है, इसको शराब के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। अभी तक तो जानकारी हुई है कि ये बिहार में आगरा वगैरह में ये सप्लाई इसका कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी चेन को खोजी जा रही है। इसमें हम लोगों ने इनसे रजिस्टर वगैरह सब ले लिया है, इनकी बिल्टी वगैरह मंगा लिया है कि कब से ये कितने सालों से इस तरह की दवाओं को मंगाते हैं और कहाँ पर ये सप्लाई करते हैं और किस व्यक्ति द्वारा ये मंगाया जाता है। अभी तो जानकारी प्रथम दृष्टया ये हुई है कि यहाँ एक अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर है और एक दूसरा कौन सा है, एके एंड सन्स है, इनके द्वारा ये मंगाई जाती है। लेकिन अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर की जो यहाँ मेडिकल शॉप्स वगैरह है वहाँ पर सप्लाई न करके ये बाहर सप्लाई करते हैं। ये माल को तो पहले सीज किया जा रहा है, सीज करने के बाद पहले जांच की जाएगी और इसमें जिसकी जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने बताया कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए भी किया जाता है, जिसकी सप्लाई बिहार, बनारस, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, कासगंज आदि क्षेत्रों में की जा रही थी। मामले में NS ट्रांसपोर्ट के साथ ओम ट्रांसपोर्ट का नाम भी सामने आया है। 15 दिन पहले जब मुझे सूचना मिली थी इसके बारे में, रात में मिली थी, ADM सर से बताने के बाद में मैंने पुलिस फोर्स ली थी और रात में ही, चूँकि ये माल जाना था यहाँ पे, फेंसिडिल कफ सिरप स्टोर किया गया था। तो फेंसिडिल कफ सिरप का हम लोगों को निर्देशित किया गया है कमिश्नर मैडम की तरफ से कि इसकी जो दुरुपयोग है इसकी रोकथाम के लिए हमें जो स्टेप्स लेने पड़े, अगर कोई विधिक कार्रवाई करनी पड़े तो वो हमें करनी। ये वैसे कफ सिरप है, खांसी में यूज़ होता है और डॉक्टर के पर्चे पे ही शेड्यूल H1 में भी आता है ये, तो उस पे ही दिया जाना आवश्यक है। रात की कार्रवाई के बाद में फिर जॉइंट इंस्पेक्शन में हम लोगों ने फिर बाकी की भी पेटियाँ, सारी पेटियाँ फ्रीज़ कर दी। फ्रीज़ करने के बाद जो इनकी इनके जो मालिक है उनसे संबंधित सारे इन्वॉइस, उस रात तो इन लोगों ने कोई इन्वॉइस नहीं दिया हम लोगों को, कोई बिल्टी नहीं दी। और ट्रांसपोर्टर ने बताया कि इनको अब जानकारी नहीं है कि ये माल कहाँ जाता है। जब कागज़ हमने देखे इनके सारे सेल परचेज रिकॉर्ड्स जब मंगाए गए इनके 2 वर्ष के, तो बिहार, वाराणसी, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, आगरा, कानपुर और कासगंज, यहाँ पर ये सप्लाई गई है। हाँ, इसका दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है। फिलहाल तो NS ट्रांसपोर्ट का नाम सामने आया है और जो रिकॉर्ड्स इन लोगों ने सेल के दिए हैं उसमें ओम ट्रांसपोर्ट का भी नाम है, तो इसके आगे की कार्रवाई हमें फिर ओम ट्रांसपोर्ट से। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर्स है भगवतीगंज में
और ए के एंड सन्स, सियाना रोड, गढ़ मुक्तेश्वर। अभी आज हम लोग इसको सीज करके, नियमानुसार सीज करके इसको कोर्ट से कस्टडी परमिशन लेंगे और सारा माल जो है हम लोग अभी कब्जे में लेने के बाद में विवेचना पूर्ण करके जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। बता दें चले कि 15 दिन पहले ये खेप पकड़ी गई थी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब सिरप को स्टॉक करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, सिरप की एक खेप किसे भेजी जानी थी। मामले में फिलहाल 152 पेटियों को सील कर दिया गया है और विभाग आगे की जांच कर रहा है।